स्टूडेंट्स, सो अपने कर रहे थे जो क्लास टेंथ के लिए अपने चल रहे थे नेत्र लेंस के बारे में। नेत्र लेंस के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था कि क्या कुछ होता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे उनके दोष एवं निवारण के बारे में। दृष्टि दोष मतलब सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है कि दोष क्या आते हैं। जब अपने को अच्छे से दिखाई नहीं देता, पास की चीज या दूर की चीज अपने को दिखाई नहीं देती, तो वो क्या कहलाता है? दृष्टि दोष कहलाता है। दृष्टि दोष के टाइप्स पढ़ने से पहले ना अपने एक चीज देखते हैं, दो चीजें हैं पहले समझ लो, तो ये दोष जो है वो अच्छे से समझ आ जाएंगे उनके निवारण में। देखो, सबसे पहले होता है एक निकट बिंदु। निकट बिंदु, देखो निकट बिंदु कैसे कि अपने को पास से देखो ये मार्कर है, ठीक है। इसको मैं यूं पास लेके आ रही हूँ, लेके आ रही हूँ, लेके आ रही हूँ, मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मेरी जो आंखें है ना वो दबाव डालना शुरू कर देंगी। पक्षमाभ पेशियां जो है ना अपने लेंस पर क्या करेंगी, दबाव बनाना शुरू कर देंगी, उसको ना प्रेशराइज करना स्टार्ट कर देंगी, ताकि उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन सके, रेटिना पर। क्योंकि अपना प्रतिबिंब कहाँ पे क्लियर बनता है, रेटिना पे क्लियर बनता है। तो वो जैसे इसको पास लेके आओगे ना, तो एक ऐसा पॉइंट होगा कि उसके बाद आपकी आंखें जो है ना उस चीज को अच्छे से देख नहीं पाएंगी, तो वो आपका क्या कहलाता है, निकट बिंदु कहलाता है। और अपने निकट बिंदु की जो है परास या क्या लो दूरी कितनी हो सकती है, 25 सेंटीमीटर होती है। मतलब आंख से अगर 25 सेंटीमीटर दूर वस्तु होगी ना, तभी उसका जो प्रतिबिंब है रेटिना पे बिल्कुल क्लियर बनेगा। अदरवाइज 25 से नजदीक है तो कभी भी क्लियर नहीं बनेगा। ये तो बात हो गई निकट बिंदु की। अब बात करते हैं, आपने दो बिंदु होते हैं अपने पास, फिर बी पॉइंट बात करते हैं आपने दूर बिंदु की। ज्यादा लंबा छोटे को कहानी नहीं है, सिंपल सारा देख लेना, ठीक है। दूर बिंदु, अब बात आती है दूर। तो दूर आप कितनी दूर देख सकते हो, आप तो कहोगे कि हम चांद तारे नॉर्मल सी बात है, दिखाई देता है। तो अगर अपने को कहे कि वहां पे चल के जाना है तो कितना टाइम लगेगा, अनंत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो मतलब अपनी दूर बिंदु की जो परास है वो कितनी होती है, अनंत। अपने कहां तक देख सकते हैं, अनंत तक देख सकते हैं। एग्जांपल मैंने आपको बताया है, चांद है, तारे हैं, ठीक है, काफी दूर तक होते हैं, मतलब कहां पे होते हैं, अनंत तक अपने देख सकते हैं। ये तो बात होगी निकट बिंदु और दूर बिंदु की, ठीक है। अब बात करते हैं आगे अपने दृष्टि दोष। सबसे पहले बात करेंगे अपने निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, ठीक है। निकट आप अब क्या कहोगे कि निकट है, तो मतलब निकट की चीज क्या है, साफ दिखाई दे रही है, ये मेरे पास क्या है, मार्कर है, ठीक है। पास लेके आ गया, मेरे को यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन दूर का क्या है, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। मतलब नाम से बिल्कुल उल्टा, देखो पास की वस्तु कैसी है, स्पष्ट है, कैसे दिखाई देती है, बिल्कुल स्पष्ट। निकट, निकट क्या दिख रहा है, निकट में पास है, बिल्कुल स्पष्ट। दूर में क्या दिख रहा है, दूर की वस्तु अस्पष्ट। जैसे भी नाम है आपका निकट, तो आप कैसे लेके चलोगे कि आपको क्या चीज दिखाई नहीं दे रही, दूर की चीज दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। हमेशा नाम से उल्टा लेके चलना है। तो पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई दे रही है, लेकिन दूर की वस्तु अस्पष्ट है, अच्छे से अपने को दिखाई नहीं दे रही। ये इसीलिए होता है, देखो हमने बात की थी दो बिंदुओं की, निकट बिंदु और दूर बिंदु। तो अपना जो दूर बिंदु है ना, इस केस में अपने पास क्या होता है, दूर बिंदु है ना वो अनंत से खिसक जाता है। क्या हो जाते हैं, दूर बिंदु अनंत से खिसक कर, अनंत से क्या होता है, खिसक जाता है। कैसे खिसका, देखो मतलब अपने को दूर की चीज अच्छे से दिखाई दे रही थी, लेकिन क्या हो गया, दृष्टि दोष हो गया। तो अब जैसे ये मान लो कि दूर बिंदु है, ये मान लो मेरा दूर बिंदु यहाँ पे आ गया, काफी पास है, बट मान लो एक बार कि मेरे को यहाँ तक ये मार्कर तक साफ दिखाई दे रहा है, इसके पीछे का मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब ये क्या है, मेरा दूर बिंदु है। तो दूर बिंदु खिसक के अनंत से क्या आ गया, थोड़ा पास आ गया, ठीक है। तो उसे मैं अपने क्या बनेगा, अगर अनंत से खिसक के पास में आ जाएगा दूर बिंदु, तो अपना प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा। देखो कैसे, जैसे अपने ये ह्यूमन आई है, मान लो ह्यूमन
इसका फोकस कहाँ बनना चाहिए था? ये देखो, रेटिना पे। किस पे बनना चाहिए था? रेटिना पे। लेकिन इसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा, कहाँ बनेगा देखो, इसी में आपको समझा देती हूँ मैं। देखो, इसका प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर आगे ही कहीं बन जाता है। यहाँ आपको प्रतिबिंब इसका प्राप्त हो जाएगा, मतलब रेटिना और नेत्र लेंस के बीच में कहीं आपका प्रतिबिंब बन जाता है और वस्तु का आपको क्या दिखाई देती है? बिल्कुल धुंधली दिखाई देती है। जब आपका जो है अनंत बिंदु कहाँ आ जाता है? खिसक जाता है अनंत से, आपका दूर बिंदु। ठीक है, अब आपका प्रतिबिंब कहाँ बन गया? रेटिना से पीछे बन गया, तो वस्तु कैसे बिल्कुल साफ दिखाई देगी? नहीं, जब प्रतिबिंब स्पष्टता से नहीं बनेगा। तो अब इसके लिए अपने क्या कर सकते हैं? देखो, इसके लिए अपने निवारण की बात हो रही है अब यहाँ पे। ये तो आपको समझ आ गया कि किस तरह से इसका प्रतिबिंब बनना चाहिए और किस तरह से बनता है। अब बात करते हैं इसके निवारण की। ठीक है, देखो ये आ गया अपना नेत्र लेंस। देखो, अब अपने क्या करेंगे, किरणें आ रही है दूर से, लेकिन यहाँ क्या लगा देंगे? अपने अवतल लेंस लगा देंगे। कौन सा लेंस यूज करेंगे? अपने अवतल लेंस। अवतल लेंस यूज करेंगे किसके लिए? निकट दृष्टि दोष के लिए। देखो, ये किरणें आई यहाँ पे, ठीक है, ये आ गई यहां से, अनंत से किरणें आ गई, ये आई। ये अवतल दर्पण क्या करेगा? किरणों को फैलाता है। पहले पढ़ा था आपने, इसने फैला दी, ये फैला दी यहां से। जैसे ही फैलाई, अंदर जो अपने पास एक उभयतल जो लेंस है, उसने क्या किया? इसको फिर से एकत्रित करके कहां पे प्रतिबिंब बना दिया? बिल्कुल रेटिना पे बना दिया। देखो, लेंस अवतल लेंस पे आपतित हुई, ठीक है। उसके बाद कहां गई? फैलने के बाद पूरी की पूरी उत्तल लेंस पे आपतित हो गई, ठीक है। इस लेंस से कहां पे प्रतिबिंब प्राप्त हो गया अपने को? रेटिना पे प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। लेकिन इसका देखो, इस तरह से पीछे इसकी किरणें क्या आती हैं? मिलती हुई प्रतीत होती हैं। पढ़ा था ना पहले कि जो अवतल लेंस है अपना, वो डायरेक्ट किरणों को मिलाता नहीं है, लेकिन उसके पीछे मिलती हुई प्रतीत होती है, और जहां पे मिलती है वहां क्या बनता है? प्रतिबिंब। अब आप कहोगे कि आपने कहा था रेटिना पे बनना चाहिए, तो सामने बन रहा है, प्रतिबिंब यही बनेगा। लेकिन प्रतिबिंब और रेटिना आपस में सामंजस्य करके जो अपना माइंड है वो अपने को बिल्कुल क्लियर पिक दिखाएगा, लेकिन प्रतिबिंब इसके सामने बनता है। ये तो हो गया अपना निकट दृष्टि दोष। आप करते हैं अपने दूर दृष्टि दोष। बी पॉइंट है अपना दूर दृष्टि दोष। ये लेंस आ गया, ठीक है। अब यहां से जो है अपना निकट बिंदु, ये
यहाँ पे अपना यहाँ से किरण आई, एक किरण यहाँ से आई, तो प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए था? यहाँ पे बनना चाहिए था, मतलब स्वस्थ जो आंख होती है मनुष्य की, कहाँ पे बनना चाहिए था? रेटिना पे। लेकिन होता क्या है, जब ये बिंदु दूर खिसक जाता है, यहाँ पे खिसक गया आपने, ठीक है, तो ये देखो यहाँ से जो किरणें आ रही है, ठीक है थोड़ा बड़ा बना लो उसको, यहाँ से जो किरण आ रही है तो क्या होगी, ये यहाँ पे आगे प्रतिबिंब बनाएगी। यहाँ पे इसको मिटा लो, रेटिना को अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो इस तरह से, मतलब रेटिना से क्या होता है, पीछे प्रतिबिंब, देखो पीछे तो कैसे मिलेंगे, मतलब ये कहते हैं कि वो कहीं मिलती नहीं है, ठीक है, तो उसका क्या होता है, प्रतिबिंब अपने को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। अब देखो इसका निवारण कैसे कर सकते हैं अपने, ये हो गया। इसके आगे क्या लगाएंगे अपने, एक उत्तर लैस लगाएंगे। कौन से लैस का प्रयोग किया अपनों ने, उत्तर लैस का, किस दोष के लिए, दूरदृष्टि दोष के लिए, और निकट के लिए किसका किया था, अवतल लैस का। आप देखो यहां से अपना ये 25 सेंटीमीटर अपनों ने मान लिया कि अपना निकट बिंदु है, यहां से किरणें आई, ठीक है, ये उसको थोड़ा और एकत्रित कर लेगा, फोकसित कर लेगा, जो अवतल लेंस है वो तो फैला रहा था, लेकिन ये क्या करेगा, एक जगह पे इसको इकट्ठा करेगा, यहाँ पे ये ले आया और ये इसको और ज्यादा कर लेगा, और कहाँ पे प्रतिबिंब बना देगा अपना, रेटिना पर, ठीक है। देखो दोनों जो अपने लेंस है, दोनों के समायोजन से प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर, अपने को जो वस्तु है, जो प्रतिबिंब है उसको स्पष्टता से दिखाई अपना देने लग जाएगा। चलो ये तो हो गया निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में अपने इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने जरा दूरदृष्टि था, दृष्टि वैषम्यता और मोतियाबिंद। देखो नेक्स्ट अपने कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था जरा दूरदृष्टि था, दृष्टि वैषम्य और मोतियाबिंद के बारे में करेंगे। देखो जरा, जरा क्या होता है, बुढ़ापा, और दूरदर्शिता होती है कि अपने को दूर की चीज तो क्या है, साफ दिखाई देती है, लेकिन पास की चीज अपने को साफ दिखाई नहीं देती। तो देखो आयु में वृद्धि के साथ साथ मानव नेत्र की स्मरण क्षमता कम हो जाती है, और निकट बिंदु क्या हो जाता है, दूर हट जाता है, और देखने में क्या होती है, कठिनाई होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जरा दूरदर्शिता अपने कहलाती है। नेत्र लेंसेज में क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है और लचीलेपन की कमी आ जाती है। जरा दूरदर्शिता हो गया। आप बात करते हैं अपने दृष्टि वैषम्य की। देखो अपने कलर क्या करते हैं, आपको रगड़ने लग जाते हैं, मसलने लग जाते हैं, ठीक है, तो वो नहीं करना चाहिए, उससे अपने को दृष्टि वैषम्य जो है अपने रोग उत्पन्न हो सकता है। देखो कैसे, कॉर्निया है, कॉर्निया में काचाद्र जो अपना जलीय द्रव भरा हुआ होता है, अगर वो क्या करता है, उसको कॉर्निया का जो नियमित है आकार बना के रखता है, उसको अपने प्रेस करेंगे तो क्या बन जाएगा, उसका आकार कैसा हो जाएगा, अनियमित हो जाएगा, और अपने किस रोग से ग्रसित हो जाएंगे, दृष्टि वैषम्य से। अब बात करते हैं मोतियाबिंद की। देखो मोतियाबिंद, आयु वृद्धि के साथ साथ नेत्र लेंस कैसा हो जाता है, धुंधला और दूधिया हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है अपने को, मोतियाबिंद। और इसके अपने जो निवारण के लिए क्या करें, शल्य चिकित्सा विधि से इंट्राओक्युलर लेंस लगाया जाता है, और अपने क्या कर सकते हैं, मोतियाबिंद से छुटकारा पा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज का